8th, 19th August 2020, class 10, subject maths, topic introduction to trigonometry, chapter 8, exercise 8.4, date 19th August 2020, class 10, subject maths, topic introduction to trigonometry, chapter 8, exercise 8.4. Date 19th August 2020, class 10, subject maths, topic introduction to trigonometry, chapter 8, exercise 8.4. इसके कुछ क्वेश्चन करवा दिए गए थे कल है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है ऑप्शन टाइप है, लेकिन आप इन्हें बिना सोल्व करे हुए नहीं कर सकते। तो 4 नंबर वाले को आप कैसे सोल्व करेंगे? 4th का फर्स्ट पार्ट, 9 secant square a - 9 tangent square a, अगर आप आइडेंटिटी पढ़े होगे तो आपको इसके बारे में पता है, इसका वैल्यू होता है 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप इन्हें बिना सोल्व करे हुए नहीं लिख सकते, इसलिए सोल्व करना जरूरी है। दूसरा है 1 + tangent theta + secant theta, में है 1 + cot theta - cos secant, इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। सबसे पहला काम है कि इनको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, तब सही आएगा हमारा। वन अपनी जगह पर आएगा, और भी मेथड है यहाँ भी लिख सकते हैं, और जगह पे टेंजेंट का होता है साइन बाय कॉस, सेकेंड का होता है अपनी जगह पे cos का cos, theta by sin theta, -1 by sin theta, आप LCM ले सकते हो इनका। Sin theta
sin theta plus cos theta minus 1. Yeah, we are going to come. अब आप देख लो cos theta sin theta cos theta sin theta, ये दोनों एक जैसे हैं। इसको ये मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, आइडेंटिटी का यूज करेंगे। होल स्क्वायर माइनस है 1 का स्क्वायर इस पूरे के बाई में cos theta sin theta, इस आइडेंटिटी से खोल लेंगे। y में है cos theta sin theta, इसका होता है 1 cos square theta plus sin square theta या sin square theta plus cos square का वैल्यू होता है 1, तो cos theta sin theta minus 1 y में cos theta साइन थीटा, वन से वन कट गया, करेक्ट गया। कॉस थीटा जो साइन थीटा कट गया, क्या आ गया आंसर? आप देखो कौन सा ऑप्शन है? टू है, सी। इसी का थर्ड पार्ट है sec a plus tan a 1 minus i। एलसीएम कॉस ए कॉस ए वन माइनस साइन स्क्वायर वन में कॉस ये होता है वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस से एक कॉस एक कट जाएगा क्या रह जाएगा यहाँ पे कॉस है। अब आप देखो ये कॉस कौन से में है कौन सा ऑप्शन है डी is correct इसी का फोर्थ पार्ट देखो आप वन प्लस टेन स्क्वायर ए वन प्लस फोर्टी स्क्वायर ए
वन प्लस टेन स्क्वायर का होता है, इसका हो जाएगा एलसीएम लेंगे इसका भी वन हो गया देखो कौन सा ऑप्शन है अब ये तो नॉन ऑफ दीज है इस हिसाब से वही आएगा वैसे इस हिसाब से तो हमारा आ गया डी प्लस बॉडी स्क्वायर कभी माइनस वन होता हो फिर तो माइनस वन भी होगा राइट चलो देखते हैं अब जो फाइव नंबर क्वेश्चन है इनमें जितने भी क्वेश्चन है सबको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज आइडेंटिटी की हेल्प लेके इन्हें प्रूव करना है प्रूव करके दिखाना है कि कैसे हुआ ठीक है अब हम क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव का टेन पार्ट्स है चलो हम फाइव का फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं कैसे प्रूव करना आप देख लो वो से एक थीटा माइनस कॉट थीटा होगी स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस लेफ्ट हैंड साइड लेकर भी किया जा सकता है राइट हैंड साइड लेकर भी किया जा सकता है लेफ्ट हैंड साइड थीटा माइनस पहले देखिए आप Thank you.
तो साइन कोस में चेंज कर लो, से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऊपर वाले को ऐसे कैसे रखो, नीचे वाले को आइडेंटिटी में तो नहीं बनी है, आइडेंटिटी में अभी से एक बार प्लस करते, एक बार माइनस करते, ऊपर वाले में कोई चीज नहीं, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, इसी तरह इसे सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट देख लो, अब सेकेंड पार्ट उसको कैसे प्रूव करेंगे, cos a1 plus sin a1, इक्वल टू में प्रूव करना है आपको, टू सेकेंड है, तो हम इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो अगर सोल्व करने में और सामी रह गए ये लेफ्ट हो रहा है, कॉस के प्लस वन प्लस एलसीएम से इंटू प्लस साइन ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाले को आइडेंटिटी
11. Left hand side equal to right hand side. इसी तरह इसके बाकी सम भी आप अच्छी तरह कर सकते हैं। थर्ड नंबर में क्यू वाले आइडेंटिटी का यूज करोगे तो वो सही हो जाएगा। क्यू वाले आइडेंटिटी का यूज करना है थर्ड में। आइडेंटिटी आपको लर्न होना चाहिए तभी आप कर सकते हो, ये तो मुश्किल है। टेन थीटा वन माइनस कॉट थीटा, एक शॉर्ट छोटा सा एक लेते हैं। वन प्लस सेकेंड ए बाई सेकेंड ए साइन स्क्वायर ए माइनस वन माइनस कॉस ए। इसे आप कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन।
एक बार इसे प्लस करके एक बार माइनस करके कर लेंगे। आइडेंटिटी पे है वन प्लस कॉस ए वन माइनस कॉस ए बारी में वन माइनस कॉस ए माइनस माइनस कर दिया आगे हमारा कॉस ए को लिख सकते हैं वन बाई सेकेंड एलसीएम ले लो सेकेंड ए सेकेंड ए लेफ्ट हैंड साइड सुनने वाला सामने आप आराम से कर सकते हैं। आप एक बार सारे ट्राई करके देखोगे जो रह जाएगा ना वो मैं ठीक करवा दूंगा आपको। इसलिए सबसे पहले आप कुछ से ट्राई करोगे, ट्राई करने पर देखोगे आपसे कितना राइट हो रहा है कितना मिस्टेक हो रहा है। बस आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटी पता नहीं है फिर आप सम नहीं सॉल्व कर सकते। 8.4 का ये 5 नंबर क्वेश्चन का 3 का 3 पार्ट, बाकी पार्ट आप एक बार करने की कोशिश कर लोगे। जो थोड़ा बहुत जो रह गया है वो कल मैं करवा के दिखा दूंगा आपको। तो ये हो गया तो 76 8 के एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट एंड 5 के 3 पार्ट हो गए। इन्हें अपनी कॉपी में नोट करना और बाकी जो समय वो एग्जांपल के हो या एक्सरसाइज के हो खुद एक बार करने की कोशिश करना। जब खुद आप इसे करोगे तो बस आइडेंटिटी आपको लर्न होना चाहिए। साइन को कब हम कोसेक में चेंज करेंगे, कॉस को कब हम सेकेंड में चेंज करेंगे, ये सभी आपको पता होना चाहिए। जब तक ये सभी आपको पता नहीं है फिर आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए आप कोशिश करोगे कि सबसे पहला काम यह है आपका कि आइडेंटिटी वैसे नोट करे होगे फिर भी एक बार याद दिला देते हैं आइडेंटिटी और कब किसको चेंज करना है उसका ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। अगर इसे मुश्किल बनाओगे तो नहीं सोल्व होगा, फिर परेशानी होगी। अगर चाहते हो कि हमारा क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाए तो उसे आपको सब कुछ लर्न होना चाहिए, तब आप इसे आराम से कर सकते हो। अगर आपको लर्न नहीं होगा तो मुश्किल है। इस तरह ये कंप्लीट कर लेना, रहने मत देना क्वेश्चन। पिछला जो काम है आपका वो भी आप साथ के साथ रिवाइज करोगे क्योंकि बीच में टेस्ट भी हो सकते हैं। तो भाई रिवीजन करे रहोगे तभी तो आप करोगे। जो सिलेबस कैंसल है डिलीट है उसे आप है छोड़ देना, उसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उसे आप करोगे तो बेकार में वो टाइम वेस्ट करना है। तो अपने टाइम को वेस्ट मत करो, टाइम को सेव करो और कोशिश करो कि क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो और समझ के करने की कोशिश करना।